तो दोस्तों अभी हो चुकी है हमारी कंबाइन स्टार्ट। तो अभी हम काटने जा रहे हैं धान। तो ये है कंबाइन के ऊपर की साइड को ये है मिरर शीशा लगा हुआ है। तो आगे देखिए ये हमारा जो है साधन लगे हुए कंबाइन से धान की खेती को काटने। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खतरनाक रास्ता है। यहाँ से मशीन को हम मोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए सामने अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ बहुत ही कुछ अलग तरीके से धान की कटाई की जा रही है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही ये जो आप देख रहे हैं जो आगे कम से कम ये 22 फीट लंबी होगी। और देखिए यहाँ पर कितने दिखे जो ब्लेड लगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कटाई कर रही है मशीन। तो यहाँ से और ये बंगला बहुत ही ये पक्षी फंस गया था और इसे फिर से बचाया गया दोस्तों। तो अभी हम लेते हैं यू टर्न और यू टर्न लेते हमें मुझे भी ध्यान रखना होगा। तो मेरे साथ बैठे हैं दो दोस्त। तो ये देखिए यहाँ से दाने निकलेंगे और धान के दाने निकलेंगे। और यहाँ ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा है। यहाँ पर हमारे जो खेत में पक्षी यहाँ फेंक रहे हैं और यहाँ पर फिर मैं लौट के आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर हमने जो बैग गियर डाला है तो आप देख सकते हैं ये है छोटा सा मकान है पास में। तो ये पक्षी हैं बार बार आगे आते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों और ये कितने सारे पक्षी हैं। और यहाँ से हम फिर से लेते हैं वाइटर लेते हुए और ये मेरा दोस्त है पंकज। और ये है जहाँ से धान के धान निकलेंगे। और यहाँ मैं आगे आपको कुछ और भी बताऊँ, आप ज़रूर वीडियो पर एंड तक वॉच करें। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बारीकी से ये काम करना पड़ता है हमको, ताकि यहाँ पर ये खतरे वाला काम हो। सबसे ज़्यादा खतरा है इससे कि कुछ कोई भी चीज़ आगे ना आ जाए। तो आगे चलते हुए ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सारे पक्षी थे जो इस जो कंपैन के अगला जो हिस्सा है दृश्य में हम इससे बच चुके हैं। तो आगे चलते चलते बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कंपाइन है, बहुत ही शानदार कंपाइन है। तो ये देखिए दोस्तों चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अभी हमने मशीन से सब कुछ सारे धान काट दिए। और यहाँ पर मैं आपको बैक साइड बताता हूँ, ये है ये बैक साइड, ये दाने वाली टंकी है जिसमें दाने पड़ते हैं धान के दाने। आप देख सकते हैं दाने हैं, दाने हैं, इससे चावल बनते हैं, चावल है दाने के थोड़ी देर में। तो अभी मैं मोबाइल थोड़े से जेब में, अभी मैं आ चुका हूँ नीचे। तो नीचे यहाँ पर मशीन हमने कर दी है खड़ी थोड़ी देर के लिए। तो अब हम मशीन इसलिए खड़ी की क्योंकि अपने हमने ट्रॉली में दाने हैं जो वो रखने हैं। तो वीडियो को आगे और देखिए। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मशीन, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये मशीन नहीं है, ये बेल्ट लूज। यहाँ पर हमने मशीन अभी रोक दी है। तो आगे आपको बताता हूँ, तो आगे आप ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करें। और ये देखिए दोस्तों ये जो है ये इसी से ही मशीन का सारा सिस्टम होता है, इसी से कटाई इसी से बढ़ाई यही। अगर ये बेल्ट ना हो तो मशीन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आप देख ही सकते कितनी बड़ी। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में वो देखिए दोस्तों हमारी ट्रॉली और ट्रैक्टर आ चुका है। और यहाँ पर अब हम करेंगे दाने ट्रॉली में लोड। और यहाँ पर हमने कर दिया ऑन और आप देख ही सकते हैं कितने दाने हैं एक ट्रॉली में। और आप देख ही सकते दोस्तों देखिए कितने ज़्यादा, जैसे पानी की टंकी से पानी निकलता है वैसे ही दाने निकल रही है। अभी कुछ टाइम और लगेगा तो मैं आपको बाइक साइड और फ्रंट साइड के तरफ से दिखाता हूँ कि कितना बड़ी ट्राली है और कितने ही ज़्यादा दाने हैं इसमें। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, तो आप ज़रूर मेरे साथ वीडियो के अंदर। और ये देखिए दोस्तों अभी तक भी ट्राली है जो भरी नहीं हुई है, अभी भी मशीन चली है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो शेयर करना। भाई साहब कंबाइन चल पड़ी है और देखिए वीडियो कितनी अच्छी बन रही है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करना। तो ये देखिए अभी मैं आपको पास से बताता हूँ, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और यहाँ से कंबाइन कट करती हुई ये देखिए।